वेलकम टू अनदर सेगमेंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस के सुपर हीरोज और हम आपको मिलवाएंगे ताकि आप उनसे सीख सकें सो यू कैन लर्न फ्रॉम देम सो यू कैन ग्रो विद देम एंड यू कैन एक्चुअली वर्क विद देम। सो वर्डप्रेस के सुपर हीरोज कौन है? वर्डप्रेस के सुपर हीरोज वो लोग हैं जिन्होंने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी तो बदली ही बट साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी भी बदली और साथ साथ सोसाइटी में कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस भी किए। These WordPress superheroes are all around us. International तो है ही हैं but साथ साथ पाकिस्तान में WordPress के ऐसे superheroes हैं जिन्होंने हमारा नाम मुल्क भर में बल्कि internationally भी रोशन किया। And we are very pleased to have one of these superstars with us, जिनका नाम है मोहम्मद अदनान। Thank you, sir, for having me here. I'll start with the first question to Adnan, और मेरा question इनसे है about understanding कि इन्होंने अपना जो ये जर्नी है ये कैसे किया। अदनान को मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू नो अदनान और मुझे पता है कि अदनान बिलोंग्स टू सियालकोट, अदनान लिव्स इन सियालकोट और अदनान ने अपना ये वर्डप्रेस का जर्नी जो कि अब एक एजेंसी बन चुका है ये डिफरेंट मुश्किलात चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी के साथ किया। सो आई वुड लाइक टू नो कि इस जर्नी में अदनान ने कैसे ये जर्नी स्टार्ट किया और हमें पता है कि आप गूगल के साथ स्टूडेंट एम्बेसडर भी रहे। सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट ये जर्नी आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ और आज आप अपने आप को किस मकाम पे देख रहे हैं? एक्चुअली मेरी जो स्टोरी है वो काफ़ी लंबी है, आई विल गो विद स्टेप बाय स्टेप। जो जब मैंने मैट्रिक किया दैट वाज इन 2000, तो उसके बाद छुट्टियाँ होती हैं हमारे यहाँ पे टेंथ ग्रेड के बाद, तो एक कोर्स किया मैंने जिसमें वो एमएस डॉस वगैरह सिखाते थे और ऑफिस वगैरह, सो वो कोर्स किया। तो उसके बाद मेरे ही जो क्लास फेलो थे मैट्रिक में वो उन्होंने अपने भाई से वेब डेवलपमेंट सीख रहे थे वो साथ साथ, तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा कहना शुरू किया कि यार पता है स्टूडेंट्स में क्या होता है कि एक स्टूडेंट एक चीज़ सीखता है तो वो कहता है कि अच्छा यार मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं अपनी छुट्टियों में ये कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तो मुझे ये क्रेज़ होता था अच्छा यार ये थोड़ा सा डिफरेंट सीख रहा है तो मैं कुछ इससे सीखूं, तो उसको थोड़ा सा लालच देना कि मुझे प्लीज़ अपने साथ थोड़ा आधा घंटा या 15 मिनट मुझे अपने कंप्यूटर पर बैठने दिया करो। एट दैट टाइम मेरे पास सेलरॉन 600 मशीन थी जो मैंने अपने अब्बू से बड़ी रिक्वेस्ट करके ली कि मुझे एक मशीन चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर कुछ सीख सकूँ, काम कर सकूँ उस पर, और ये मुझे मैट्रिक के बाद मिली। इवन कि मैट्रिक से पहले ही मेरे पास एक CD थी जो मैंने एक किसी नुमाइश पे ख़रीदी, वो इवन कि मेरे पास मशीन भी नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने वो ले ली ताकि जब भी मेरे पास कंप्यूटर आएगा तो मैं वो मिस्टर बीन की CD प्ले करके देखूँगा कि ये कैसे चलती है या इसकी जो वीडियो है हाउ दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो क्रेज़ था कि मेरा दोस्त ये चीज़ सीख रहा है मैं भी वो चीज़ सीखूँ, यही क्रेज़ मुझे आगे लेके गया। उससे थोड़ा सा कहना कि ठीक है जो भी टाइम तुम रखोगे मैं तुमसे उसी टाइम पे आ जाया करूँगा, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उसने थोड़ा सा जो है ना अपने साथ मुझे भी बैठने दिया, तो थोड़ा थोड़ा सीखा उससे और फिर आहिस्ता से खुद से लर्न करना शुरू किया। एट दैट टाइम इंटरनेट वाज आई गेस 20 रुपीज़ पर आवर, एक कार्ड होता था बिल्कुल। तो उसके साथ इवन के ट्यूटोरियल्स भी कोई नहीं होते थे, तो क्या करना कि जो भी वेबसाइट ओपन होती थी उसका हम मैं सोर्स कोड देखता था जाके, तो इसी तरह लर्न किया कि वो जो टाइटल बार पे एनिमेशंस चलती हैं जावास्क्रिप्ट में वो कैसे चलती हैं। मेरा गोल था कि मैं ICS में एडमिशन लूँ मरे कॉलेज में, और मैट्रिक में मेरे मार्क्स कम होने की वजह से मेरा मेरिट नहीं बन रहा था, तो 8th, 9th, 10th मैं क्रिकेट खेलता रहा उस वजह से मुझे एक मैच खेलने का इत्तेफाक हुआ हमारे कॉलेज में। सो जब मैंने वो मैच खेला तो वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस अच्छी दी, उन्होंने कहा कि इस बंदे को हम अपनी हमारे कॉलेज की टीम में खिलाएंगे, सो दैट्स व्हाई इसको ICS में एडमिशन दे दिया जाए। सो
दिस इज़ हाउ आई गॉट माई एडमिशन इन मरे कॉलेज ICS में. तो ICS में प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट थे, ठीक है, C++ थी. जिस तरीके से हमारे टीचर ने हमें पढ़ाई वो मेरे लिए काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हो गई. मतलब मेरा इंटरेस्ट भी था चीज़ों में, टेक में ज़्यादा. तो CSS मेरा ये रहता था कि जो टीचर करवा रहा होता था वाइट बोर्ड पे या समझा रहा होता था, तो वो मैं पहले से ही घर से करके आता था, या बुक में आगे जितने भी प्रोग्राम्स होते थे वो मैंने पहले ही अपने एडिटर में कर लिए होते थे. तो टीचर ने एक दफ़ा एक्सप्लेन करना, उसके बाद मैंने फिर पूरी क्लास को वो टीच करना. तो यानी आपको बहुत शौक था प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग का और साथ साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करने का. एग्जैक्टली. तो ये जो चीज़ थी ये मेरे बैचलर्स तक भी चली. मेरा बैचलर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, अगेन ICS में. इवन दो के मेरा एडमिशन क्रिकेट की वजह से हुआ, बट मैं टीम छोड़ दी क्योंकि मेरी फैमिली में सारे एजुकेटेड थे और क्रिकेट के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है ताकि आप उसको डिवोट कर सको. आप 8 बजे 9 बजे तक भी आ रहे हो, थोड़ी सी सोसाइटी का भी इशू होता है. इवन कि वो मैंने छोड़ दी. फर्स्ट ईयर में मेरा ऐसा गुजर गया, लेकिन वो जो प्रोग्रामिंग का मेरा था चल रहा साथ साथ वो चलता रहा. ICS में मार्क्स कम आ गए, आगे मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला. सो फाइनली मेरे पास ऑप्शन यही थी कि मैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ या VU में. VU उस वक्त एक उनका फर्स्ट ईयर था एट दैट टाइम 2002 में. सो पहले मैं बैचलर्स किया अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और फिर राइट आफ्टर दैट 2007 में मैंने एडमिशन लिया VU में MS में. और MS का मेरा अभी सिर्फ प्रोजेक्ट रहता है, दैट इज़ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. उसके अलावा मेरा जो कोर्स वर्क है वो कम्प्लीट हो चुका है. सो इसको अगर हम लिंक करना चाहें, इट्स अ बिग टाइमलाइन. हम देख रहे हैं कि आप अपने जो पूरे इस एक्सपीरियंस में, यू एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी इंक्विजिटिव स्टूडेंट. WP ब्रिगेड कैसे बना? गिव हमारे जो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि आपका वो जो जर्नी है उसके बीच में, यू नो, हाउ डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम टुगेदर. 2006 में जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, तो फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर के बाद जब एग्ज़ाम हो गए, तो एट दैट टाइम मैं रेंट अ कोडर एक वेबसाइट थी, ठीक है, जिसपे मैं एक्सप्लोर कर रहा था. वो मुझे अपने एक दोस्त से पता चला जो मेरा रूममेट था, उसके सॉफ्टवेयर उसमें रेंट अ कोडर यूज़ होती थी. लोग जो हैं वो उसमें वो सॉफ्टवेयर बेसिकली उसी पे चलता था. तो मुझे जस्ट आई गेट टू नो दैट कि रेंट अ कोडर पे प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है. तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. तकरीबन 25-30 डेज के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिल जाता है. लेकिन उस प्रोजेक्ट से पहले 2006 में जो मेरा 2001 से लेके 6 तक का जो टेन्योर था, उसमें मैंने काफ़ी वेबसाइट्स भी बनाई, ठीक है, खुद डिज़ाइन की, खुद कन्वर्ट की, लॉन्च भी खुद ही की, इवन के डेस्कटॉप और वेब एप्स भी .NET में. मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम था जो VB6 में था. फिर एक मैंने कमर्शियल प्रोजेक्ट सेल भी किया एट दैट टाइम 20,000 में. वाओ. तो ये चीज़, मेरा ये जो एक्सपीरियंस था वो जब मुझे एक फाइनल एक प्रोजेक्ट मिला, दैट वाज फर्स्ट प्रोजेक्ट, दैट वाज अबाउट $425. तो उसी दिन मैं सुबह अपने दोस्त को कॉल करता हूँ कि यार पहुँच जा तू, बस अब हमने ये प्रोजेक्ट करना है, दैट विल चेंज आवर लाइफ, ठीक है. तो हम दोनों ने मिलकर वो प्रोजेक्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हो गया. उसके लिए मैंने क्या किया, इंटरनेट से बुक्स डाउनलोड की, उसको एक्सप्लोर किया कि ASP.NET क्या होती है. इवन दो कि मैं VB.NET में काम कर चुका था, डेस्कटॉप एप्स बना चुका था, तो वो नॉलेज उधर मेरा यूज़ हुआ. शुरू कहाँ से होता हूँ मैं, एक $5 में एक साइट बनाई 2001 में एक क्लाइंट के लिए, ओनली $5 में. इवन कि वो लॉन्च भी नहीं हुई, लेकिन मैंने उसमें क्या किया कि सीखा उस प्रोसेस में. उसके बाद एक 5,000 में बनाई, 10,000 में एक वेबसाइट बनाई, एंड देन 20,000 में एक डेस्कटॉप ऐप बनाई. सो हाउ डिड यू डिस्कवर वर्डप्रेस? वर्डप्रेस का जो ये आपका जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ? जब हमें फ्रीलांस का पहला प्रोजेक्ट मिला ना, तो उसके बाद .NET में प्रोजेक्ट कम आ रहे थे, तो PHP में फिर थोड़ा देखना शुरू कर दिया. जैसे एक बिड आती है, हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, कहते हैं कि ठीक है जो भी है हमें आता है, जो भी प्रोजेक्ट है हम लोग कर लेंगे. PHP, मेरा जो थर्ड रूममेट था उसको PHP आती थी. सो आई थॉट के ये मैंने जो प्रोजेक्ट पकड़ा है ये वो बंदा कर लेगा,
अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जिसकी बेस पे हमने वो प्रोजेक्ट पकड़ा था उसने कहा कि नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ. तो PHP में मैंने वो प्रोजेक्ट खुद ही किया. फिर वो एक सर्च इंजन था जो PHP में डेवलप किया. एट दैट टाइम एक क्लाइंट मिला जिसने मुझे कहा कि मुझे एक वर्डप्रेस का थीम बनाना है. तो ये एक शॉपिंग थीम है तो क्या तुम बना लोगे. मैंने पूछा वर्डप्रेस क्या है. दैट वॉज माई फर्स्ट वर्डप्रेस प्रोजेक्ट. तो इस तरह मैंने वर्डप्रेस को एक्सप्लोर किया. yeah. और आज आप वर्डप्रेस के एक इन्फ्लुएंसर हैं क्योंकि आपने एक ऐसा प्लगइन डेवलप किया विच इज़ यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट. तो इस प्लगइन के बारे में व्हाई डोंट यू टेल अ लिटिल बिट अबाउट टू आवर पार्टिसिपेंट्स कि WP ब्रिगेड एक एजेंसी है लेकिन एनालिटिफाई क्या है और ये प्लगइन क्या करता है. श्योर. एनालिटिफाई एक वर्डप्रेस प्लगइन है जो गूगल एनालिटिक्स के साथ आपको कनेक्ट करता है आपकी वर्डप्रेस साइट को. जो भी आप एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स में देखते हैं वो सारी की सारी एनालिटिक्स आप वर्डप्रेस में एक डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हैं. ये सिर्फ एक डैशबोर्ड ही नहीं है. इवन के आपकी जो पोस्ट और पेजेस हैं इवन के कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं लाइक आपकी गैलरीज हैं या आपका कोई पोर्टफोलियो है. तो आप चाहते हैं कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो जिसमें आर्ट वर्क है आप जस्ट उस आर्ट वर्क की स्टैट्स देखना चाहते हैं तो आप अपनी कस्टम पोस्ट टाइप में जाएंगे आर्ट वर्क को सिलेक्ट करेंगे और उसके नीचे एक पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा जो सिर्फ स्पेसिफिक होगा उस आर्ट वर्क का. सो देयर आर मल्टीपल डैशबोर्ड्स. और ये वर्डप्रेस की जो आपकी वेबसाइट है उसको स्लो नहीं करते क्योंकि हम लोग बाय डिफॉल्ट सारी फाइल्स को आपके वर्डप्रेस के ऊपर फेंक नहीं देते. वो जब आपको ज़रूरत होती है जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तभी वो वेबसाइट वो आपकी जो फाइल्स हैं वो लोड होती हैं. वेरी नाइस. सो दिस इज अ वर्डप्रेस प्लगइन एनालिटिफाई जो कि WP ब्रिगेड का है विच अदनान स्टार्टेड विच अलाउज यू टू सी स्टेटिस्टिक्स फॉर योर फाइल्स फॉर योर पोस्ट एंड फॉर योर पेजेस एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट यूज एनालिटिक्स प्लगइन्स ऑन द इंटरनेट. और जैसे कि हमने आपको टॉपिक्स में बताया कि गूगल एनालिटिक्स क्यों ज़रूरी है बिकॉज वट कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव. सो प्लीज़ एनालिटिक्स प्लगइन एनालिटिफाई अदनान का यूज़ कीजिएगा और उनको फीडबैक भी दीजिएगा. बट साथ साथ हम अदनान से एक और क्वेश्चन पूछते हैं विच इज़ अबाउट अदनान हमें बताएं कि कौन से वो डिजिटल टूल हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ फ्रीलांसर और एज अ स्मार्ट वर्कर. इज़ इट गूगल एनालिटिक्स. ऑब्वियसली यू यूज़ गूगल एनालिटिक्स बट साथ साथ कौन से और टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं. सबसे पहले तो वर्डप्रेस है. ठीक है. मेरी जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स हैं वो सारी वर्डप्रेस के ऊपर. और बीइंग ए प्रोग्रामर वो साथ साथ मेरी डेवलपमेंट चलती रहती है. उसमें बिट बकेट है. टीम के साथ जो कम्युनिकेट करना होता है स्लैक है उसके लिए. क्लाइंट्स के साथ सम टाइम कम्युनिकेशन स्काइप पे होती है ऑलमोस्ट. एंड जीमेल डेफिनेटली फॉर ईमेल क्लाइंट. जबरदस्त जबरदस्त. और आपकी क्या एडवाइस है फॉर द यंग पीपल हु आर सिटिंग आउट देयर एंड लिसनिंग टू. काफ़ी हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि लाहौर इस्लामाबाद सियालकोट से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमसे साथ साथ सीख रहे हैं. हमने एक चीज़ इनके लिए यहाँ पे क्रिएट की है कि दिस इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट. हम बिलीव करते हैं ख़ासतौर पे वर्डप्रेस के इस कोर्स में कि अकेला बंदा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता. इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ टीम. सो वट एडवाइस डू यू हैव फॉर द यंग पीपल सिटिंग आउट देयर कि वो अपनी ज़िंदगी के इस इम्पॉर्टेंट मरहले में स्टेप अप करने जा रहे हैं. तो क्या आपकी एडवाइस है उनके लिए. आई वुड से कि आप एक चीज़ पे फोकस करें. जिस जो भी आप अपना एरिया सिलेक्ट करें डेवलपमेंट का चाहे कोई भी फील्ड हो. अभी हम लोग वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. अगर आप वर्डप्रेस पे फोकस कर रहे हो तो सिर्फ उसी पे रहो 2-3 साल 4 साल 5 साल. इवन मुझे दिस इज़ माई 19th ईयर. मुझे 19 साल हो गए हैं इस फील्ड में लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं सीख रहा हूँ और मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता हूँ. कोई ऐसी APIs या कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका मुझे नहीं पता होता लेकिन मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ जो मुझे अपने आप को अपडेट करना है. इवन मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनके पास 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस होता है और वो अपने आप को समझते हैं कि हम पता नहीं कहाँ से उतर हुए हैं. ठीक है. दे थिंक लाइक दे आर सुपीरियर. और यंग जो अभी जो इमर्जिंग बंदे हैं या इमर्जिंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आई विल से कि आप लोग अपनी कम्युनिटी बनाएं. दैट कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं खुद नेपाल में वर्ल्ड कैंप था. आई वॉज स्पीकर देयर
मेरा पहला वर्ड कैंप जो मैंने अटेंड किया दैट वाज इन 2015 इन मायामी, और उसी में मैंने एनालिटिफाई जो कंपनी है मेरी वो रजिस्टर कराई. इसमें आई वुड लाइक टू से मोर अबाउट दैट व्हाट इज एनालिटिफाई. सो देयर आर थ्री पीपल, माय यंगर ब्रदर हु हैज़ डिज़ाइन ऑल द दोज इंटरफेसिस, आई कोडेड एवरीथिंग, एंड देयर इज़ वन पर्सन हु वाज लिविंग इन यूएस एंड राइट नाउ ही इज़ इन बांग्लादेश, दैट इज़ मोहम्मद आसिफ रहमान. सो Analytify is a company that is now a separate company registered in US. Wow. Adnan, आपसे एक question है और वो है communities के बारे में. ये word camp की एक community है, हमने इसका सुना है और in fact हमारा word camp पे एक topic भी है जो कि हमारे इस course का part है. आप हमारे participants से, आप हमारे trainees से, आप हमारे students से word camp के बारे में क्या share करना चाहेंगे? Sure. Word camp एक ऐसा event है जिसमें वो लोग आते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं वर्डप्रेस में, और ऐसे लोग भी आते हैं जो वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं. तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं स्टेज पे दूसरे लोगों के साथ, और स्टेज पे खड़े होकर वो ये भी बताते हैं कि हाउ मच मनी दे मेड. इन वर्डकैंप मायामी समवन टोल्ड मी दैट ही मेड $4 million, और उसने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताई कि हाउ ही डिड दैट. क्या अभी हम लोगों ने जैसे वर्डप्रेस कम्युनिटी शुरू किया, अभी दो वर्ड कैंप हुए हैं यहाँ पे और इंशाल्लाह आगे भी होंगे, तो ये जो कम्युनिटी है लोगों की कि लोग अपना एक्सपीरियंस आके वर्डप्रेस डेवलपमेंट में शेयर करें कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज और क्या टेक्निक्स यूज़ की हैं, सो दैट इज़ वर्ड कैंप बेसिकली. तो आपको क्या करना है कि जब भी वर्ड कैंप हो या कोई भी वर्डप्रेस कम्युनिटी है आपके इर्द गिर्द, कराची में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, सियालकोट में है, इवन बाकी शहरों में, हैदराबाद, फैसलाबाद, जिधर नहीं है, आपको खुद ये कम्युनिटी क्रिएट करनी चाहिए और उन लोगों को ऐड करना चाहिए जो आपको लगता है कि ये यंग बंदे हैं और यंग पोटेंशियल लोग हैं जो वर्डप्रेस को सीखना चाह रहे हैं. सो दैट्स हाउ यू शुड बिल्ड दैट वर्डप्रेस कम्युनिटी. जबरदस्त. सो द की लेसन हियर इज कि आपने वर्डप्रेस को कम्युनिटी में सीखना है और कम्युनिटी में समझना है और एक कम्युनिटी बनानी है. सो अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में हैं तो वहाँ पे तो वर्ड कैंप्स हो रहे हैं, बट इवन इफ़ यू आर इन सियालकोट, इवन इफ़ यू आर इन गिलगित, इवन इफ़ यू आर वन ऑफ इन द स्मॉलर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, यू शुड स्टार्ट अ वर्डप्रेस कम्युनिटी ऑफ योर ओन. तो जिस तरह अदनान ने हमें ये एडवाइस दी, यही एडवाइस आपके लिए, इसी एडवाइस से आप सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ लर्निंग. आपने सीखना है, आपने समझना है और आपने साथ इस कम्युनिटी को लेके चलना है. और अदनान का ये जो प्लगइन है जिसका नाम है एनालिटिफाई, इसको जाके प्लीज़ डाउनलोड कीजिएगा, बिकॉज इसको यूज़ करते हुए आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे एनालिटिक्स को इंस्टॉल कर सकेंगे और यूज़ कर सकेंगे. साथ ही साथ इनकी जो एडवाइस है, हमारे साथ समझें, हमारे साथ सीखें और हमारे जो ये वर्डप्रेस के सुपर हीरोज़ हैं इनसे कनेक्ट करें, बिकॉज वी वॉन्ट कि एक दिन आप ये सुपर हीरो बने, एक दिन आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान को इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट बनाएं.